हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त विवेक और आप देख रहे हैं बीबीएन मीडिया नेटवर्क। दोस्तों, साउथ इंडियन मूवीज वर्सेस बॉलीवुड, काफी टाइम से ये टॉपिक जो है हॉट टॉपिक बना हुआ है। बिकॉज क्यों ना हो, क्योंकि हाल ही फिलहाल KGF चैप्टर 2 हो, RRR हो, बहुत सारी मूवी रिलीज हुई है जो कि सुपर हिट साबित हुई है। वहीं बॉलीवुड की तरफ काफ़ी सारी मूवी रिलीज हुई है जो कि एवरेज परफॉर्मेंस, फ्लॉप, जैसे बच्चन पांडे और भी बहुत सारी मूवियाँ रिलीज हुई है, सब उतनी अच्छी तरीके से कमाई नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पर। बट अब देखा जा रहा है KGF चैप्टर 2 वर्सेस पृथ्वीराज को जोड़कर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इन दोनों ही फिल्मों को लेकर क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है। तो अगर KGF चैप्टर 2 की बात कर ली जाए तो हिंदी बेल्ट में KGF चैप्टर 2 ने 430 करोड़ के आसपास कमाई कर ली है, जो कि बहुत बड़ा अंतर होता है। वहीं इस फिल्म को जो है पृथ्वीराज चौहान से जोड़कर देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान जो है इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अब बिकॉज ये फिल्म जब रिलीज होगी, जिस तरीके की फिल्म की रिस्पॉन्स मिलती है, डेफिनेटली हो भी सकता है। बिकॉज इस फिल्म की बजट भी बहुत स्ट्रांग है। अभी मीडिया रिपोर्ट से ये खबर निकल के आ रही है कि फिल्म की जो बजट है वो 300 करोड़ है। आप इतना ही समझ लीजिए कि फिल्म के सेट पे जो दिल्ली हुआ, कन्नौज हुआ और कई सारे जगहों में सेट को तैयार करने में 35 करोड़ रुपए की खर्च लगी है। दोस्तों, कुछ दिन पहले अक्षय कुमार सर ने मीडिया इंटरव्यू के दौरान एक बात बोला था कि साउथ इंडियन एक्टर्स जो हैं 4-4 साल पे एक फिल्में रिलीज करते हैं और अक्षय कुमार सर की साल में बहुत सारी फिल्में आ जाती है। और उनका ये भी कहना था कि कुछ फिल्में मतलब हिट भी होती है और कुछ हमारी फिल्म फ्लॉप भी जाती है। बट इस बार जो फिल्म आ रही है 3 तारीख को, पृथ्वीराज, वो डेफिनेटली पब्लिक को पसंद आएगी। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत अच्छे से काम किया गया है। बट अब पब्लिक का ओपिनियन क्या होता है और पब्लिक क्या रिस्पॉन्स देती है फिल्म को, वो तो 3 तारीख को ही देखा जाएगा। बट आपकी क्या राय है, क्या पृथ्वीराज चौहान फिल्म जो है KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगा? आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर फिल्म की अच्छी रिस्पॉन्स होती है तो डेफिनेटली फिल्म के आसपास कमाई पहुंच जाएगी, डेफिनेटली ऐसा मुझे लगता है। बट आपकी ओपिनियन जरूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल से ज़्यादा बने रहिए।